इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू और वेलकम बैक टू चैनल सो आज हम घर से ही भी बना रहे हैं और अभी टाइम हुआ है साढ़े ग्यारह सो के उठे हैं मतलब आज फुल नींद ली है जितनी लेनी थी बड़े मज़े की नींद आई है और देखो दोनों सरदार जी और वो कैसे बैठे हुए हैं नाश्ता हो गया है ब्रेकफास्ट में हमने आज खाया है ऑमलेट बन और साथ में चाय बाकी सरदार जी ने दूध और एक बर्गर रखा था इनका बर्गर खाया इन्होंने तो आज की जो वीडियो होगी थोड़ी घर से रिलेटेड होगी थोड़ा सा बताएंगे चीज़ें घर के बारे में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आज इंडिपेंडेंस डे के दिन तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको और ये देखो दोनों का कैसे एक साथ बैठे हुए हैं चिपटे हुए एक्चुअली दोनों मुझसे लड़ रहे हैं इस टाइम पे क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूँ और मैंने इसको कुछ बोल दिया तो वो भी दोनों नाराज हो गए मतलब देखो हम जो हस्बैंड लोग होते हैं हमारा इंडिपेंडेंस डे भूल जाओ <laughs> तो बाकी इनका है वो उसी में हम खुश हो जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आज की एक्टिविटीज दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको और ये फाइट में देखो सरदार जी की और मोम की फाइट में कौन जीत रहा है तो सरदार जी ने अपनी मोम को ड दिया है पूरा तो दोनों लड़ रहे हैं कौन जीता है कौन आ रहा है और तो अभी दोनों की फाइट चल रही थी कौन जीता भाई ना, ये कह रहा है मैं वो कह रही मैं मुझे मैं तो वही अंपायर बनूंगा नहीं इसमें तुम रेफरी और तुम अंपायर बोलो मैं रेफरी नहीं हूँ मुझे नहीं पता रेफरी और आप और बोलो मेरे साथ कमी है अगर मैं इनको बोलूंगा कि ये हार गई तो भी मेरी आफत इसको बोलूंगा ये हार गया तो भी मेरी आफत बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा तू हारा मैं धाऊंगा अगली बार तो ये मस्ती चल रही है दोनों आपस में कुश्ती लड़ते रहते हैं ये कभी कभी वो मोनी को छोटी बोलता है फिर ये उसको बोल देती है है कुछ दोनों में झगड़ा चलता रहता है। मुझसे कम इचता है इसे पता है ना मैं डालूंगा इसको क्योंकि मेरे में ताकत है वो मम्मा को मैं, मैं तुमसे कम इसलिए लचता हूँ क्योंकि तुम सो जाते हो <laughs> ये जब भी मुझसे बोलता है ना कि चलो पापा खेलेंगे 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 मैं बोल देता हूँ लेट के कि हाँ खेल अब तू और मेरे ऊपर खेलता रहे तू बैठ के और मैं सो जाता हूँ <laughs> तो अभी बच चुके हैं तीन और अभी लंच नहीं हुआ क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हुआ था और लेट हुआ था थोड़ा ऑमलेट के साथ में बन ऑमलेट तो मतलब हैवी हो जाता है और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्लिप दिखाई थी वो थी जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम की अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आइकन में देख सकते हो जाके और कभी आप अगर जैसलमेर जाते हो तो वहाँ पे विजिट करना बहुत मज़ा आता है सच में वहाँ पे लाइक like, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं वहाँ की जो हम स्टोरी सुनते हैं 1965 जो वॉर हुआ था उसकी और बाकी 1971 जो वॉर हुआ था उसकी स्टोरी भी वहाँ पे सारा कुछ दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था तो बड़ा मतलब मज़ा आता है उसको देखने में तो खाना खा लिया है खाना आज हुआ है हमारा जो लंच हुआ है साढ़े बजे और पहले भूख नहीं लग रही थी उसके बाद फिर भूख लगी तो तब बनाया और लंच में क्या खाया आज हमने भिंडी और भिंडी पराठे <laughs> और रायता साथ में जैसा सरदार जी ने बताया रायता आपको तो वो हो गया बाकी स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज पापा ने वो कट गया है वो काट दिया पापा ने लेकिन आज पापा ने बोला था हिप्पी इंडिपेंडेंस डे गलती से हिप्पी इंडिपेंडेंस डे <laughs> और अपने सरदार जी आज हरविंदर की टी शर्ट पहन के बैठे हैं हाँ, इसका ऐसे ही चलता रहता है जबरदस्ती ये पहनी है भगत सिंह वाली इसने हाँ ऐसे ही पहन ली तो इसका ऐसे ही चलता रहता है किसी दिन ये मेरे कपड़े पहन के घूमता रहता है किसी दिन अरविंदर के तुम्हारे कपड़े नहीं पहनता मैं बस तुम्हारे शर्ट पहनता हूँ जो दोनों वाली होती हैं और आज मोनिका ने पहने हैं वो कपड़े जो लाई थी आज फर्स्ट टाइम पहने मतलब उस दिन से जब से खरीद के ले गए आई हैं हाँ तो आज ये कपड़े पहने हैं बाकी बर्तन-वर्तन सब साफ मैंने करें आज बहुत दिन के बाद आज मतलब ऐसा फील हो रहा है लॉकडाउन जैसा जैसे कि लॉकडाउन में रहते थे ना घर पे काम मैं करता था कुछ बाकी मोनिका खाने का तो वही फीलिंग आ रही है और आज मतलब लॉकडाउन जैसा महसूस हो रहा है आज का दिन क्योंकि आज बाहर नहीं निकले हम पूरा दिन घर पे ही और आराम से फुल सोए वही नौ साढ़े नौ दस बजे तक तो उठे थे और, और मूवी भी देखी थ्री हंड्रेड हाँ और आज एक मूवी भी देखी हमने तो बीच में उसमें दो ढाई तो घंटे उसमें निकल गए थे और एक चीज़ और बताऊंगा जब लॉकडाउन था तो हम क्या करते थे यूजुअली आज धूप बहुत तेज है आ, सामने फ्लैट है तो हम उसमें यहाँ से पूरा दिन ही तब क्या था लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा ठंड थी और एसी की ज़रूरत नहीं होती थी तो हम ये गेट खुला रखते थे अपना इधर का गैलरी वाला और सामने फ्लैट में देखते रहते थे किसके फ्लैट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसके टीवी चल रहा है किसका नहीं चल रहा फुल डे यही करना होता था किसके तो हाँ <laughs> तो हम ये तक कि देखते रहते थे यहाँ से लेटे हुए कि देखो उस फ्लैट में ये चल रहा है उसके में ये हो रहा है उसमें ये हो रहा है उसमें वो पूजा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं तो यहाँ से दिखता रहता था तो मैं अभी दिखाता हूँ सामने के फ्लैट तो ये सामने के जो फ्लैट हैं यहाँ पे हम देखते रहते थे यूजली और अभी उधर से सूरज की लाइट आ रही है तो सामने एकदम दिखेगा नहीं बहुत तेज धूप आज तो यहाँ से हम देखते रहते थे इधर का पूरा नज़ारा एक महीना पूरा यही देखा है एक डेढ़ महीने जब तक लॉकडाउन रहा है बाकी अपनी वीडियो देखी वॉर म्यूजियम वाली जो जैसलमेर की थी तो उसे देख के मज़ा आया पूरा मतलब वहाँ पे जाके अलग ही फीलिंग हो जाती है जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको तो वो वीडियो देखना है तो आपको मिल जाएगी ऊपर आइकन में बहुत मस्त वीडियो है और मतलब बहुत ही अच्छी जगह लगी मुझे वो अगर आप कभी भी जैसलमेर जा रहे हो तो वहाँ पर मतलब ज़रूर घूम के आओ मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा आपको क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जाते हैं वो वो चीज़ नहीं दिखाते वो दिखाई आते हैं इधर उधर की सारी चीज़ें लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वो कवर करते हैं वॉर म्यूज़ियम को तो वो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे मतलब हम जब भी जैसलमेर जाते हैं तो वहाँ जरूर जाते हैं फर्स्ट टाइम गए थे तब भी गए थे और सेकंड टाइम जब गए थे तब भी हम वहाँ गए थे तो सैल्यूट है सभी सैनिकों को और जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए लड़े तो उन सभी लोगों को दिल से सैल्यूट है और हम उनकी बराबरी तो कभी नहीं कर सकते देखो बट हाँ उनको याद रख कर सकते हैं उनको रिमाइंड करा सकते हैं लोगों को उनसे इंस्पायर हो सकते हैं तो वो सब चीज़ें मतलब हमें करते हैं चाहिए लेकिन उनके जैसे तो हम नहीं बन पाएंगे कभी भी क्योंकि उन्होंने जो किया वो मतलब एक अलग लेवल की चीज़ थी हाँ और बाकी आज की वीडियो जो है हमने इसी से रिलेटेड रखी है थोड़ा घर का एक्टिविटीज़ थोड़ी मस्ती और थोड़ा सा अपना स्वतंत्रता दिवस के लिए तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड कमेंट करके भी बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय नाइस डे